अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज की वीडियो का मैंने आगाज़ किया है ये अपने पुदीने धनिया टमाटर से। तो आगाज़ करने का इसलिए किया है मैंने क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद की बड़ी सारी तैयारियाँ करनी हैं। तो इसीलिए जो है मैंने ये लिए हैं पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, ताकि मैं इन सबको अच्छे से सबसे पहले वॉश कर लूँ। और ये देखिए, इन चीज़ों को मस्ट वॉश किया करें। और वॉश करने के बाद इन सब चीज़ों को मैं कट करके ब्लेंडर में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है पेस्ट। तो चिलीज, ग्रीन चिलीज़ को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे सॉरी अच्छे से कट कर देंगे, फिर ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और मैंने फिर जो है नमक और रेड चिली भी ऐड कर लिया और इन सबको पेस्ट बना लिया था। और उस सबको मैंने पेस्ट बना के इन आइस क्यूब्स वाले ट्रे में डाल के फ्रीज कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये लहसुन लिया, इनको भी मैंने इनके छिलके उतारे और इनको ये बॉक्स में डाले। और इसके बाद भी इसका भी पेस्ट बना लिया था। एंड देन मैंने जो है वो टमाटर का भी पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद अब जो है मैं साथ ही हांडी बना रही थी शिमला मिर्च, तो उसके लिए जो है ये मैंने चीज़ें कट करके रख ली थी। और उसके बाद जो है मैंने हांडी बनाना शुरू की। तो जी बस ये प्रोग्रेस में हांडी बन रही थी, तो हांडी बनाते मैंने बस उसको इतना सा ही कवर करना था। उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना आपके साथ कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर कर ली जाए ईद से रिलेटेड। तो ये जो है अनस्टिच ड्रेस था जो लिया था, और इस तरह से इसका नेट का ड्रेस था और कुछ इस टाइप के इसके साथ पैचेस थे। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आज कल इस तरह के कलर्स बहुत यूनिक लगते हैं और अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है ये मैंने वीडियो बनाई ये यहाँ पे। सॉरी, वो कुछ ब्लर सा हो गया था, तो मैंने जो है ये अगेन वीडियो बनाई है। तो ये जो है नेक्स्ट ड्रेस कुछ इस टाइप का था, ये भी इसी तरह पैचेस पर ही था। पैचेस वाले सूट इन दिनों बहुत इन हुए हैं तो मुझे बहुत पसंद भी है। तो बस मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। नेक्स्ट जो ड्रेस था वो भी इसी टाइप का था। ये जो है ये मैंने अपनी मामा के लिए बाय किया था। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। शिफॉन दुपट्टा था इसके साथ। और इस तरह से चिकनकारी का काम हुआ हुआ था इसकी शर्ट पर। और ये साथ जो है इसका प्लेन ट्रोज़र था और ये साथ इसका पैचेस। तो इंशाल्लाह इन ड्रेसेस को जो है मैं स्टिच करवा के मैं आपके साथ डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले भी जो मैंने ड्रेसेस शेयर किए थे वो मैं स्टिच हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इसी से रिलेटेड आपसे शेयर करूँगी। और नेक्स्ट जो है ये कुछ पीच और ग्रे का कॉम्बिनेशन था और ये इसके साथ इनके पैचेस थे। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज में मैंने ये एक FB पेज से बाय किए हैं। और अगर आप भी बाय करना चाहती हैं तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको उनका पेज शेयर कर दूँगी। तो आपने भी बाय करने हुए तो आप इनसे बाय कर लीजिएगा। और नेक्स्ट में जो है ये ग्रीन कलर का ड्रेस था, तकरीबन सेम ही प्रिंट है सब ड्रेसेस का। कुछ फ़र्क है और कुछ जो है मैंने गिफ्ट करने थे अपने फ्रेंड्स को क्योंकि उनकी बर्थडे थी, तो मैंने उनके लिए भी ले लिए कि हम सबको एक ही जैसा हो जाए। बस कलर
जो है वो थोड़ा चेंज थे, बाकी पैचेस वगैरह और दुपट्टा और वर्क और प्रिंट वगैरह सब एक जैसा ही तकरीबन। इसके बाद जो है ये मेरी गुड़िया रानी जो है ये तंग कर रही थी, मैंने कहा इसके भी साथ आपको शेयर कर दी जाए, इसकी शरारतें भी साथ साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।